आज हम लोग सो वी स्टार्टेड विद बेसिक अरिथमेटिक इन द प्रीवियस क्लास एंड वील बी डूइंग फ्यू मोर क्वेश्चंस बिकॉज बेसिक देखो अरिथमेटिक में कुछ थ्योरी बताने के लिए नहीं है, हर तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग प्रैक्टिस कर लें जिससे कि तुम उस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना तुम्हें आ सके. तो दैट्स द पर्पस, राइट? सो लेट अस डू द क्वेश्चंस नाउ. हम लोग क्वेश्चंस कर ही रहते पिछली क्लास में, उसी को कंटिन्यू करेंगे. और मैथ्स का क्या फॉर्मेट रहता है सैट का, वो मेरा पहला वीडियो देख लेना अक्षर, तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है? ठीक है सर, अभी क्लास के बाद ही देख लेना. ओके सर, जो नॉर्मल क्लासेज है वो सैटरडे संडे नहीं होगी ना? सर जो नॉर्मल वाली क्लासेज है फिजिक्स और केमिस्ट्री की, वो सैटरडे संडे होगी? वो सैटरडे संडे. ठीक. वो ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक, ट्यूसडे को तीनों क्लास है. तो फिजिक्स में मैंने एक थ्योरी पढ़ाया है एक चैप्टर, तो फिजिक्स का तो मेरे पास सारा रिकॉर्डिंग है तीनों क्लास का, वो मैं शेयर कर लूँ, वो भी देख लेना. ठीक है. और सर मैथ्स शुरू हो गया? मैथ्स भी शुरू हो गया है, एक वीक सब शुरू हो गया था. मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स, फिजिक्स मैं पढ़ाता हूँ, मैथ्स मनोज सर पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री दिनेश सर पढ़ाते हैं. तो उन लोग को भी मैं बोलूंगा कि फर्स्ट वीक के सारे क्लासेस तुमसे शेयर करें. ठीक. ओके सर. फोर्थ क्वेश्चन पहले आप लोग अटेम्प्ट करेंगे और ट्राई टू फाइंड आउट एन आंसर. सो 1 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है अपने क्वेश्चंस का आंसर करना. कोशिश करना है कि 1 मिनट में आप आंसर. सर ए पार्ट और देखो, इतने सारे ऑप्शन दिए हुए, और कोई सही है क्या ठीक के अलावा? सर ए ही लग रहा है मेरे को. हथियार आप भी बताओ, अटेम्प्ट करो, देखो बताओ क्या है. यस सर, जस्ट अ सेकंड. इस तरह का क्वेश्चन आता है, सैट लेवल पे आता है ना. तो फर्स्ट सर एक और ऑप्शन लग रहा है सर, ई पार्ट. नहीं, चलो देख लेते हैं क्या है. अभी क्या है कि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मैंने जैसे पिछला एक और एग्जांपल बताया था कि ऑलवेज ट्राई टू पुट एन एग्जांपल एंड सी. एक नंबर ले लो, ए एंड बी आर नेगेटिव, ए को ले लेते हैं -2, बी को ले लेते हैं -3, एंड सी इज पॉजिटिव, सी को ले लेते हैं लेट्स से क्या 4 ले लेते हैं. अब फर्स्ट पार्ट को चेक करो, फर्स्ट पार्ट कह रहा है ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या हो गया -2 +3 हो गया, है ना.
ए माइनस बी मतलब इसका साइन चेंज हो जाएगा ना माइनस थ्री का, माइनस ऑफ माइनस थ्री प्लस थ्री हो गया, ये क्या हो गया वन हो गया। और ए माइनस सी करोगे माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स हो गया, तो वन क्या माइनस सिक्स से छोटा होगा क्या? नहीं होगा ना, तो ये क्या हो गया गलत हो गया राइट। अब सेकेंड वाला चेक करो, इफ ए इज लेस देन बी, ए लेस देन बी को हम लोग को करना पड़ेगा, तो हम लोग को इसका एग्जाम्पल चेंज कर लो, ए लेस देन बी है मतलब ए को माइनस थ्री ले लो और बी को माइनस टू ले लो, ठीक है हा? तो अब अगर सेकेंड वाला चेक कर दो, ए बाय सी मतलब माइनस थ्री बाय फोर और बी बाय सी मतलब माइनस टू बाय फोर, माइनस थ्री बाय फोर क्या ये माइनस टू बाय फोर से छोटा है? माइनस टू बाय फोर कितना होता है? माइनस वन बाय टू होता है, तो obviously minus 3 by 4 is less than minus 1 by 2, तो ये this is correct, right? Again 1 by b less than 1 by c, तो 1 by minus 2 is it less than 1 by 4? Yes, it is less than, क्योंकि c तो positive है ना, तो 1 by c मतलब एक negative number तो positive number से छोटा ही होगा, तो third वाला भी correct है, तो second and third only option d is the correct. Did you get it? Yes, sir. So always put examples, number, value डाल के और उसको check कर लो, है ना? वैसे इन सब का right तरीका भी है, करने का वो तो अभी syllabus में है। आगे सबको समझ? Next पे चले? Yes. Yes, sir. Please try doing this. ये तो फटाक से होना चाहिए आंसर। सर 19 by 9। 19 by 9। आथिया प्लीज रीड द क्वेश्चंस प्रॉपरली। 13 degree below 0 degree and it had risen to 32 degree, plus 32 degree, minus 13 degree से plus 32 degree कितना difference हुआ temperature का? 45 degree। और 3 am से 12 noon तक कितने घंटे हो गए? 9 hours हो गए। Average hourly is 5 degree per hour, isn't it? नहीं, कह रहा है 3 AM 3 बजे सुबह टेम्परेचर 13 डिग्री बिलो जीरो था, बिलो जीरो मतलब माइनस 13 डिग्री सेल्सियस। एट नून मतलब 12 बजे 12 PM पे इट हैड रिजन टू 32 डिग्री सेल्सियस, मतलब 32 डिग्री सेल्सियस हो गया था टेम्परेचर। माइनस 13 से 32 डिग्री का डिफरेंस कितना होगा? 32 माइनस ऑफ माइनस 13 कितना हो गया? 45 डिग्री का राइज हो गया टेम्परेचर में, हो गया ना 45 डिग्री का राइज। अब ये कह रहा है टोटल आवर्स कितने हो गए 3 AM से 12 नून तक, कितने घंटे हो गए? 9 आवर्स हो गए भाई, 3 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर तक 9 घंटे बीते ना, तो 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 9 आवर्स कर लोगे तो ये क्या हो गया 5 डिग्री पर आवर, है ना? यस सर। वो डिस्कनेक्ट हो गया लगता है, लाइट वाइट चली गई।
It's raining outside. साथी आप इसको लिख लीजिए और आपने क्या किया था मेरे ख्याल से प्लस 13 पे लेके सॉल्व कर दिया है ना. यस सर. बी केयरफुल. ओके हैव यू रिटन इट. Yes, sir. Please attempt the next one. What did you do in English, Athiya, today? Parts of speech, sorry, subject verb agreement. Okay. And yesterday, what did you do? Same. And then we discussed a bit about parts of speech. So did ma'am discuss about the exam pattern and other things? Yes, sir. Yes, sir. You like the class, English class? Yes, sir. What has happened to chemistry thing? Chemistry में क्या चल रहा है आपको? Sir, chemistry में मुझे वो logic समझ नहीं आ रहा है. मतलब I'm not able to catch up on things. See, ये जो chapter है ना, some basic properties of some basic, I think some basic क्या है concepts of chemistry ऐसा है ना? Yes, sir. ये क्या है? This is you know recapitulation of everything what you have studied till now. मतलब 10th तक और इनफैक्ट 11th में जो पूरे सारे 11th 12th में जो पूरा चैप्टर्स पढ़ेंगे उन सब का थोड़ा थोड़ा चीज करके बताया हुआ जस्ट एन इंट्रो कि क्या होता है क्या होता है. तो थोड़ा सा वेग सा चैप्टर भी है. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि जितना यू आर एबल टू ग्रैस्प ट्राई टू ग्रैस्प दैट मच एंड डोंट गिव मतलब इतना प्रेशर नहीं लो. अगले चैप्टर से जो एक्चुअल चैप्टर शुरू होंगे ना सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इज नॉट अ चैप्टर. बेसिकली ये क्या है कि सब कॉन्सेप्ट को एक साथ इकट्ठा करके बस बता दिया गया कि ये है ये जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू ऑल कॉन्सेप्ट. अब उसमें ना तो हम लोग डिटेल में बता सकते हैं ना तो मतलब क्योंकि डिटेल में बताएंगे तो पूरा चैप्टर ही पढ़ा रहे होंगे तो वो थोड़ा सा है. और मे बी एक चैप्टर जो पूरा अच्छे से प्रॉपर शुरू होगा उसको करके देखना एंड स्टिल इफ इट इज नॉट वर्किंग देन लेट मी नो आई do something else. Okay, sir. Light chali gayi thi kya? Yes, sir. Power cut ho gaya tha. Ye sixth wala dekho karke. Easy hai ye. So is the answer B option, C minus D? Yeah, option B is the correct answer. कैसे करते हैं इसको ये exponents वाला normal question है. अभी हम लोग क्या देखते हैं 7a into 7b तो ये क्या हो जाएगा 7 raised to the power a plus b powers add हो जाएंगे यहाँ पे और is equal to 7c by 7d मतलब 7 raised to the power c minus d हो जाएगा. अब हमें पता है जब ये बेसिस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाते हैं इक्वेट कर लेते हैं. पावर को इक्वेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी है ना बच्चों. अब इसको हम लोग को d को लिखना है तो d इज इक्वल टू माइनस डी को इधर लेके चले जाओ तो d इज इक्वल टू सी माइनस ए माइनस बी. ये ऑप्शन टू क्लियर है. Yes, sir.
जस्ट अ सेकंड. लिख लिया बच्चों? यस सर. बार बार मतलब वो गिर रहा है, ओले गिर रहा है. ओले ओले गिर रहा है. आई एम सिटिंग जस्ट नेक्स्ट टू द बालकनी, सो बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं. सब कुछ हो जाएगा, अभी इंडिया में सब कुछ हो जाएगा. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Seventh one, please try. वो आप लोग का सर एक इतना टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में, एक मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा. नंबर इज निफ्टी इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ टू और थ्री. तो मल्टीपल ऑफ टू और थ्री तो आपको निकालना, हाउ मेनी निफ्टी नंबर्स आर बिटवीन माइनस 11 एंड 11. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ टू और थ्री. टू एंड थ्री नहीं, और थ्री. तो माइनस 11 से तुम देखो पीछे की तरफ आना शुरू करो. माइनस 10 इज अ मल्टीपल ऑफ टू ना, माइनस 9 इज मल्टीपल ऑफ 3, माइनस 8 ऑफ 2, माइनस 6 अगेन ऑफ 2 एंड 3 बोथ. देन वी हैव माइनस 4 मल्टीपल ऑफ 2, माइनस 3 मल्टीपल ऑफ 3, माइनस 2 मल्टीपल ऑफ 2, एंड देन 0 इज मल्टीपल ऑफ 2. डी पार्ट आर 15. हाँ यस सर. 2 3 4 6 8 9 एंड 10. अब इसको काउंट करोगे तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, 0 8 हो गया और इधर भी 7, 8 + 7 = 15 हो गया. ठीक है बच्चों, तो जल्दी जल्दी करना है, इसमें टाइम नहीं लगाना है ज्यादा, इतना आराम से नहीं करना है.
एट्थ क्वेश्चन. So, E option. Yeah, E option is correct. Check करते हैं. P and Q are primes greater than 2. जैसा मैंने बोला था example ले लो. तो greater than 2 क्या prime हो सकता है? 3 और 5 ले लो. Which of the following must be true? 3 plus 5 is even. देखो 8 है, even ही होगा. कोई 2 से 2 is the only even prime. बाकी सारे odd numbers हैं. वो odd को अगर एड करोगे तो हमेशा इवन मिलता है. दो ऑड को अगर मल्टीप्लाई करो तो हमेशा ऑड मिलता है. और 3 square minus 5 square मतलब 9 minus 25 minus 16 इज इवन. दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो ऑल 1, 2 and 3 तीनों ट्रू. क्लियर बच्चों? यस सर. यस सर. नाइंथ क्वेश्चन. So, is the answer C? Ninth ka nahi, C nahi hai. Now, what is the value of 2 raised to the power 3 by 2 minus 2 raised to the power 1 by 2? 2 raised to the power 3 by 2 minus 2 raised to the power 1 by 2. Say 2 raised to the power 1 by 2 common le loge, to ye 2 to the power 1 minus 1 bache, which is equal to 1 into 2 raised to the power 1 by 2, which is equal to root 2 option E. 2 raise to the power 3 by 2 का मतलब क्या हुआ? अगर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो, रूट 2 के अंदर 3 है ना, 2 क्यूब का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो क्यूब रूट ऑफ 2 में से 1 2 मतलब इस 2 स्क्वायर में से एक 2 बाहर आ जाएगा. 2 रूट 2 माइनस रूट 2 विच इज इक्वल टू रूट. क्लियर बच्चों? यस सर. Yes, sir.
लिख लिया? यस सर। अभी 10th और 11th के लिए सेम डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन वर्क्स फॉर बोथ 10th एंड 11th, सो रीड इट, अंडरस्टैंड इट एंड देन ट्राई टू सॉल्व। पहले 10th कीजिए फिर 11th करेंगे। अब अगले क्लास से ना ये इस पे टाइमर लगा दूंगा मैं, तुम्हें टाइमर दिखता रहे कितना मिनट बाकी है, कितना सेकंड बाकी है। सर सी सी ऑप्शन। यस सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। So see, refer to the following definition for any positive integers n, tau n represents, ये जो symbol है इसको tau कहते हैं, ठीक है? So tau n represents the number of positive divisors of n. तो जब मैं tau 5 लिख रहा हूँ तो divisor of 5 क्या क्या होगा? 1 और 5, 1 in the number itself, prime number है. Tau 7, इसके डिवाइजर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1 और 7, तो टाउ 5 का वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया, और टाउ 7 का भी वैल्यू 2, इसके दो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं। अब 35 के डिवाइजर्स लिखो, तो टाउ 5 इज इक्वल टू टाउ 7, पहला वाला तो ट्रू है। 35 के अगर डिवाइजर्स लिखेंगे, 1 है, 5 है, 7 है और 35 है, चार डिवाइजर्स हैं। तो देखो tau 5 into tau 7 मतलब 2 into 2 is equal to tau 35, 4 है, tau 35 करोगे तो ये कितना आएगा? tau 35 is equal to 4, तो ये भी true है। But tau 5 plus tau 7 मतलब 2 plus 2 4 होता है, but tau 12 निकालोगे, 12 के factors 1, 2, 3, 4, 6 और 12 ये जो है 6 हो गया, right? 2 प्लस 2 तो 4 होता है, बट ये tau 12 6 है, तो ये ट्रू नहीं है, ये गलत है। तो 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन सी होगा आंसर। क्लियर है? जो फर्स्ट वाला बताया था वो कैसे किया था सर? जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट तो tau 5 का मतलब, tau n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। तो tau 5 लिखोगे तो tau 5 क्या हो गया? कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं इसके? दो ही तो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं ना। yes, तो tau 5 इज इक्वल टू 2 हो गया, और 7 के भी दो ही डिवाइजर्स हैं, 1 और 7 इटसेल्फ। तो tau 7 भी यहाँ पे 2 है, तो दो दो डिवाइजर्स ही हैं, तो tau 5 इज इक्वल टू tau 7 लिख सकते हैं ना, 2 इज इक्वल टू 2। हाँ सर। ठीक, क्लियर बच्चों? Yes, sir. Now next question इसी पे based है, ये निकाल के बताइए।
सर सी ऑप्शन थ्री. इलेवेंथ का सी ऑप्शन थ्री करेक्ट है. सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉ ऑफ टॉ ऑफ टॉ ऑफ 12. अंदर से सॉल्व करना शुरू कर. टॉ ऑफ 12 तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 6 और 12. छह फैक्टर्स. टॉ ऑफ 12 को 6 लिख लो, मतलब टॉ ऑफ टॉ ऑफ, और ये टॉ 12 की जगह 6 सब्स्टिट्यूट करो. राइट, अब टॉ ऑफ 6 निकालोगे, 6 के क्या 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 फैक्टर है, 1, 2, 3 और 6, तो टॉ ऑफ 6 4 हो जाएगा. राइट, अब टॉ ऑफ 4 निकालोगे, 4 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1, 2 और 4, तो टॉ ऑफ 4 इज इक्वल टू 3. 11th का सी पैटर्न. नेक्स्ट वन. ये तो सिंपल है. 7 raised to the power 170. यहाँ पे अंदर वालों को पहले पावर्स को ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन है, और पावर का पावर होने पे मल्टीप्लाई करते हैं. 8 plus 9 17 into 10, दिस इज इक्वल टू 7 raised to the power 170. ऑप्शन सी. सर ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा. ये क्या कह रहा है? देखो एक्स स्टार वाई रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन एक्स एंड लेस देन वाई. मतलब एक्स स्टार वाई मींस ऑल द इंटीजर्स व्हिच लाई बिटवीन एक्स एंड वाई. सो -4 star 2, मतलब -4 से बड़ा होना चाहिए और √2 से छोटा, मतलब -3, -2, -1, 0, 1. √2 से छोटा, मतलब √2 1.414 होता है, तो -4 और 1.414 के बीच के इंटीजर्स लिखने थे. यही तो है, ये कितने हो गए, 5 इंटीजर्स हो गए, तो 13th का ऑप्शन डी.
Oh, okay, sir. Thank you. So you had to write all the integers which is greater than x and less than y. So greater than minus 4 and less than root 2. So greater than minus 4 will be minus 3, minus 2, minus 1, 0, up to 1. Because it has to be less than root. Okay? Yes, sir. Next. से एक एग्जाम्पल लो, जीरो और वन के बीच में कोई भी एग्जाम्पल ले लो और उसको चेक कर लो. सर ए ऑप्शन. नो, ए ऑप्शन इज नॉट द आंसर. फिर से चेक करो. बी. यस, बी इज ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन. बहुत बढ़िया अक्षर. अब देखो जीरो और वन के बीच में नंबर है ना, और इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. जीरो और वन के बीच में क्या नंबर, ऐसा नंबर ले लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो. तो जीरो और वन के बीच में वन बाय नाइन ले लो, राइट. वन बाय नाइन ले लो या आसान वन बाय फोर ले लो. सो एक्स स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वन बाय सिक्सटीन हो जाएगा. वन बाय फोर क्या है, बेसिकली 0.25 है ना. तो एक्स स्क्वायर करोगे तो 0.25 का स्क्वायर इज 0.0625, राइट. वन बाय सिक्सटीन करते हैं, 0.0625 हो गया. x इज इक्वल टू 0.25 हो गया. और रूट x का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 0.25, दैट इज 0.5, है ना. तुम देखो 0.0625 से 0.25 बड़ा है और ये 0.5 उससे बड़ा है. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो यही होगा ना, x स्क्वायर x और रूट x. यस सर. आपने डिक्रीजिंग तो नहीं कर दिया था. यस सर, डिक्रीजिंग कर दिया था. 15th केजी. So 1/2 raised to the power 50. Nee. Check it again.
सर सी पार्ट 50/50 दोनों गलत कर लिए। अब तो मुझे उतरना पड़ेगा फील्ड में। 50 raised to the power 100 is equal to k into 100 raised to the power 50। तो k का वैल्यू निकालेंगे 50 raised to the power 100 by 100 raised to the power 50। अब 50 को तो रहने दो, 100 को तो हम 2 into 50 लिख सकते हैं ना, तो 50 raised to the power 100 by 2 into 50 raised to the power 50। सो दिस इज 50 raised to the power 100 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 50 इंटू 50 raised to the power 50। पावर को अलग अलग कर दिया दोनों पे। अब यहाँ पे जब 50 raised to the power 100 माइनस 50, ये 50 जो ये इसको ऊपर ले जाओगे पावर को तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 to the power 50। 50 raised to the power 100 माइनस 50 मतलब 50 raised to the power 50 बाय 2 raised to the power 50। सो विच इज इक्वल टू 50 by 2 raised to the power 50, दैट इज इक्वल टू 25 raised to the power 50। ऑप्शन बी। मैंने वो नीचे 2 लिखा हुआ है लेकिन मैंने वो देखा नहीं था इसलिए मैंने 50। तो मैंने 2 की पावर 50 नहीं ली, बस मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है ये सब चीज का, देखो इजी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है ना। व्हाट वी आर लर्निंग इज क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू प्रैक्टिस एंड बी थोड़ा मोर कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स द क्वेश्चन। कहते ना वो सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला चीज। अब ये तरह का क्वेश्चन, इसको जो हम लोग कह रहे थे ना आतिया उस दिन, मैं बोल रहा था कि यू नीड टू राइट द आंसर हियर एंड कलर अकॉर्डिंगली। आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस। फर्स्ट फाइंड आउट द आंसर, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस। सेंट्स फ्रैंक्स और डॉलर में क्या रिलेशन है ये पता है ना? यस सर। ये दिया 25 सेंट्स बाय 1.3 फ्रेंच फ्रैंक्स। हाउ मेनी फ्रैंक्स कैन बी बॉट फॉर 1.60 डॉलर? 100 सेंट्स इज $1 राइट? यही होता है ना डॉलर और। यस सर। So I got 8.32. Yes, correct. So 25 cents by 1.3 French francs. How many francs can be bought for $1.6? So, see, 25 cents means $0.25. Right. It buys 1.3 francs, French francs. So how many francs can be bought by $1.6? So $1 will buy 1.3 by 0.25 or francs, or $1.6 will buy 1.3 0.25 into 1.6. Clear? So isko calculate karoge. So this is 8. ये कैलकुलेटर सेक्शन में आएगा तो तुमको कैलकुलेटर अलाउड होगा। 8.32 फ्रैंक्स हो गए। अब देखो इसमें कैसे मैं ऑप्शनल होता है ना? हाँ, कैलकुलेटर तो ऑप्शनल होता है ना। दो तरीके का वो पेपर होता है, एक कैलकुलेटर सेक्शन एक नॉन कैलकुलेटर सेक्शन।
कैलकुलेटर सेक्शन में कैलकुलेटर अलाउड होता है, नॉन कैलकुलेटर सेक्शन में नॉन मतलब कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है. सो देयर आर टू पेपर्स बेसिकली. मैथ्स में दो तरीके का पेपर होता है, कैलकुलेटर और नॉन कैलकुलेटर. वो पहला वाला मेरा देखोगे तो समझ में आ जाए. 8.32 है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ आंसर लिखा जाता है 8.32 और उसके बाद यहाँ पे कलर किया जाता है. 8 के लिए यहाँ पे 8 को कलर कर देंगे, पॉइंट के लिए यहाँ पॉइंट को कलर कर देंगे, 3 के लिए 3 को यहाँ कलर कर देंगे और प्रॉपरली कलर करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, एकदम बिल्कुल एक भी वाइट स्पॉट नहीं होना चाहिए, नहीं तो रीडिंग में नहीं आया तो मुफ्त के नंबर चले जाएंगे तुम्हें. तो ये हो गया 8.32. क्लियर? यस सर. जो भी डिजिट है उस डिजिट के नीचे वाले चीज को हम लोग कलर कर. ओके ओके सर. और अगर कुछ ऐसा आता है ना, फ्रैक्शन में आंसर आता है 8/42 तो 8 करते और यहाँ डिवीजन का साइन में ये वाले गोले को कलर करते, इस वाले. ओके ओके सर. सो ये जो ऐसे वाला बना हुआ है ना, वी वुड हैव कलर्ड दैट. Let's go to the next one now. 17th. So you have to basically divide 99 by 2.5 and find the remainder. Yes. इतना कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा. देखो 2.5, 97.5 इज द मल्टीपल ऑफ 2.5, राइट? बिकॉज 100 विल बी अ मल्टीपल ऑफ 2.5, सो 2.5 लेस उससे कर दोगे तो 97.5. टोटल मीट जो है 99 पाउंड्स है, तो 99 माइनस 97.5 इज 1.5 पाउंड्स, सो 1.5 विल बी द आंसर. सो 1.5, सो यहाँ 1 को कलर करेंगे, पॉइंट को कलर करेंगे और 5 को कलर करेंगे. क्लियर? यस सर. यू शुड ऑलवेज ट्राई एंड स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड. ऐसा नहीं इधर 1.5 लेके छोड़ दिया. सर एक बार ये वाला बता देंगे, जैसे पावर कट हुआ था 99 पाउंड्स ऑफ चॉप्ड मीट है, हमें ये निकालना है कि 2.5 पाउंड्स का एक पैकेज बना रहे हैं तो लास्ट पैकेज को करने के बाद कितना बच गया हमारे पास जो पैक नहीं हो सकता. तो हर एक पैकेट में 2.5 पाउंड है तो टोटल हमें पता है कि 100 इज डिविजिबल बाय 2.5, तो लास्ट जो मल्टीपल रहा होगा वो 97.5 रहा होगा 2.5. तो 99 और 97.5 में कितने का डिफरेंस है, 1.5 का. तो 1.5 पाउंड्स वेयर लेफ्ट विच वाज नॉट पैक्ड. ठीक है.
कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, क्या निकालना पड़ेगा बताओ। How do you need to find this? What will you find in this? Keh raha hai, Maria has two electronic beepers. One of them beeps every 4 seconds, and other beeps every 9 seconds. If they are turned on at exactly the same time, how many times during the next hour will they both beep together? So beep LCM. LCM, yes. 4 or 9 ka LCM nikal lenge. 4 or 9 ka LCM kya hai? 36, sir. So every 36 seconds, it will beep together. Or next 1 hour mein 60 minutes hota hai, 3600 seconds hota hai. So out of 3600, you will have to divide it by what? 36. So kitne times ho gaya? 100 times ho. Isn't it? Yes, sir. Answer is 100. क्रॉस क्या लगा हुआ है जो चले के क्रॉस कहां से ये तब होता जब 1 बाय 10 होता ना आंसर तब हम लोग ये बाय को यूज करते हैं डिवीजन साइन प्लीज इसको नोट डाउन कर लो और इसके बाद मैं क्या करूंगा कि देयर आर 7 मोर क्वेश्चन इन दिस शीट आई विल शेयर द शीट विद यू यू कैन You know, solve it and send me the answers. Okay? Okay. Once you have solved it, I'll share the solution as well. Okay, sir. Okay, sir. Answers and solution I'll share later. पहले solve करो. Answer रहेगा तो फिर तब गड़बड़ होगा. सब चीज को तो match करो. ठीक है? ठीक है. Yes, sir. ठीक. चलो bye. Take care, everyone. Thank you, sir. Thank you. Bye, sir.